तो जल्द ही आपको इस चैनल पे एक शॉर्ट मूवी देखने के लिए मिलने वाली है जो काफी इंटरेस्टिंग रहने वाली है, तो जरूर देखिएगा। और उसके बाद मैं आपको बता दूं कि बिहाइंड द सीन शूट करते समय हुआ क्या, क्योंकि हो सकता है थोड़ा सा डिले हो जाए, पर सबर का फल मीठा होता है, तो उस मूवी के लिए थोड़ा बहुत वेट आप कर सकते हैं। असल में वहां पे हुआ क्या ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि जब मेरा फ्रेंड एक पुलिस वाला, उसको बनना था और फुल ड्रेस में वो मेरे साथ शूट कर रहा था, उसी समय वहां पे ओरिजिनल रियल पुलिस की एंट्री हो गई और वहां पे उन्होंने हमारे साथ क्या क्या किया और क्या हुआ वहां पे, तो वो तो आपको ये वीडियो देखने के बाद पता चल ही जाएगा। पर हो सकता है उस वीडियो में उनकी वॉइस रिकॉर्ड ना हुई हो, तो आप वो वीडियो देखिए और उसमें रिएक्शन देखिए कि पुलिस वालों का क्या रिएक्शन था हमको देखकर वहां पे, और उन्होंने क्या एक्शन लिया ये आप देखिए। उसके बाद मैं आपको सारी बातें समझा दूंगा, सारी बातें बता दूंगा कि असल में उनने कहा क्या। तो चलिए देखिए। कुछ लगाया करो ना, ऐसे कैसे चल रहा है? नहीं उस पे नहीं लगाते, नहीं वो लगा लीगल है ना, पूरा लगा नहीं सकते, तो ये भी तो इलीगल है। नहीं सिक्योरिटी लगा है, वो तो सिक्योरिटी होम गार्ड का सिक्योरिटी वाला है। नहीं सिक्योरिटी लगा लिया अगर उसको, सिक्योरिटी लगा लिया तो प्रोजेक्ट उसको हटा, उसको हटा दो ता जो उत्तर प्रदेश पुलिस का है। अच्छा तो इलाज देना ये सब उसको आता है, जो तुम्हारी दूर से है पता नहीं चल रहा होगा, ये तो नहीं दिखता है। बना दिखाओ क्या 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 बनाया हमारा है, बंद है। तो उसके बाद उनने हमारा कैमरा जो है वो ऑफ करा दिया, पर असल में वहां पे हुआ क्या ये मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि हमारा पुलिस वालों को देखने का नजरिया जो है वो काफी अलग होता है, काफी नेगेटिव तरीके से हम लोग देखते हैं। और वहां पे जो आसपास लोग खड़े थे वो भी कुछ ऐसा ही सोच रहे थे, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ, जो मैंने सोचा था वैसा ही हुआ कि वो लोग वहां पे बस पहुंचे और इन्फॉर्मेशन लेने लगे कि ये असल में क्या आप काम कर रहे हैं और कैसे काम कर रहे हैं। सबसे पहले तो जब एंट्री हुई तो उन्होंने पूछा कि कितना शूट बाकी है, तो मैंने बोला बस थोड़ा सा बाकी है, तो उन्होंने मजाक में बोला कि अगर थोड़ा ज़्यादा बाकी हो तो बताओ हम भी शामिल हो जाते हैं, हमको भी अपनी टीम में ले लो। तो मैं बोला नहीं अभी थोड़ा सा बाकी है और ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें। तो उन्होंने बोला कि ठीक है आप ये बताइए हमें कैसे काम करते हैं आप और क्या कैसे इनकम आती है और यूट्यूब कैसे आपको सपोर्ट करता है। तो ये सारी मैंने इन्फॉर्मेशन उनको दी और उसके बाद उनने बोला कि अगर हम ये काम करना चाहें तो क्या कर सकते हैं, तो मैंने उनको थोड़ा बहुत आइडिया दिया और उनको बताया कि हाँ बिल्कुल दिल्ली पुलिस में भी एक हमारे दोस्त हैं जो यूट्यूब पे वीडियो बनाते हैं और उनका चैनल काफ़ी ग्रो कर चुका है और अब वो जॉब वैसे छोड़ चुके हैं, तो आप भी कर सकते हैं, पर ऐसा नहीं है कि जॉब छोड़ के आज बैठ जाइए और आज ही आप यूट्यूब पे आ जाइए। मैंने उनको बताया कि हाँ आप कर सकते हैं और आपको लगे कि मैं मेरा चैनल ग्रो हो रहा है या मैं काम कर रहा हूँ अच्छा खासा, तो बिल्कुल आप उसके बाद ज़रूर ये चीज़ सोच सकते हैं जॉब छोड़ने की। और वहाँ पे कई सारे लोग थे, डीएसपी, एसआई और काफ़ी कांस्टेबल लोग थे, तो उनको सभी को हमने काफ़ी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे यूट्यूब के बारे में दी और उसके बाद बस उन्हें वो इन्फॉर्मेशन ली और उसके बाद उन्हें कहा कि ठीक है हम चलते हैं आप लोग शूट करो क्योंकि थोड़ी देर में अंधेरा होने वाला है, तो मैंने बोला हाँ बिल्कुल। तो ये सब बातें हुई, असल में हम लोगों के मन में एक बैठा हुआ दिमाग में कि पुलिस आएगी और पैसा खाएगी और ये सब होगा, तो ज़रूरी नहीं कि हर पुलिस वाले वैसे ही हों, ठीक है। क्योंकि कुछ देर बाद वहाँ पे हमारे पास भीड़ जमा हो गई, बहुत लोग आ गए और उन्होंने बोला हम दूर से देख रहे थे, हमको लगा कि ऐसे ऐसे परेशान कर रहे हैं आपको या ये कर रहे हैं। मैं बोला ऐसा कुछ नहीं है और ज़रूरी नहीं कि ऐसा ही होता है, कई बार हमारे साथ हो चुका है, कई बार पुलिस वाली
पुलिस वाले आ चुके हैं और उन्होंने सीधा सीधा सवाल ये किया है कि यार आपने यूपी पुलिस का बैच क्यों नहीं लगाया, आपने स्टार क्यों नहीं चमकाया, ये सब बातें की हैं मजाक में, ये सब बातें हुई हैं। तो हमने खुद ही, मैंने पुलिस वालों को कई बार कहा है कि नहीं बैच लगाना इनलीगल है, पूरा फुल ड्रेस में नहीं रह सकते। पर असल में जब तक आप कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं तो आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप कुछ गलत कर रहे हैं तब ज़रूर पुलिस वाले भी आपके लिए गलत रहेंगे। वो कहते हैं ना, दोस्त के लिए मैं दोस्त हूँ, दुश्मन के लिए मैं दुश्मन, तो पुलिस वालों पे यही डायलॉग फिट बैठता है। तो आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही, उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा जो आने वाली है शॉर्ट मूवी, और काफ़ी अच्छी रहेगी और इसे इसी टॉपिक से रिलेटेड। तो चलिए फिर मिलते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि वो आप वीडियो देख पाएँ, उसके लिए आप बेल आइकन भी दबाइएगा, लाइक तो आपने कर ही दिया होगा। सी यू अगेन।